एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास 421। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आज शनिवार है और मैं जा रही हूँ शनि मंदिर, शनि महाराज जी के मंदिर जा रही हूँ। वैसे तो पूजा पाठ हमेशा ही होती रहती है, बट जाने का भी कोई बात ही नहीं था। अचानक से मासी को मैंने कॉल किया तो मासी बता रही थी कि वो मंदिर जा रही हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मासी वहाँ अपने घर पे पूजा करें, वहाँ से वो निकलेगी और हम लोग रास्ते में ही मुलाकात कर लेंगे और फिर साथ मंदिर चलेंगे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार कह दीजिएगा शनि महाराज की जय। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, मेरे चैनल पे, आगे जानने के लिए कि क्या क्या होता है। मुझे भी नहीं पता, ऑन द स्पॉट जो भी होता है मेरे ब्लॉग पे ऑन द स्पॉट ही होता है। कुछ प्लानिंग करके नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा है कि अभी किसी का कॉल आया, कोई काम आया, अभी निकल गई, या अभी कोई चीज़ दिमाग में आया, मैंने वो अभी कर लिया। ऐसा है, मैं कुछ प्लान कर ही नहीं सकती। मतलब कर सकती हूँ पर प्लान किया हुआ मेरा होता नहीं है। मैं अगर कुछ दिन पहले से सोच के रखूँ कि मुझे ये काम करना है, वो मेरा सक्सेस नहीं होता है। बट कुछ होना होता है तो वो अपने आप ऑन द स्पॉट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग में से किसी के साथ ऐसा होता होगा। बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ बी विथ मी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शनिदेव जी के मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है। मंदिर बहुत छोटा सा है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, हम लेट भी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। छोटा सा मंदिर है, दो चार लोग ही अंदर एंट्री करते हैं तो भीड़ हो जाती है, इसलिए यहाँ बाहर धूप बत्ती लगाने का, दिया जलाने का यहाँ पे एक छोटा सा स्थान है, वहीं पर जला देते हैं हम लोग। थोड़ी देर में मासी और हम जलाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मासी जो है दिया जला रही हैं, मैं भी जलाऊँगी भी थोड़ी देर के दिया। ये मेरे तीन दिया यहाँ पर रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। घर मतलब पहले मासी के घर जाएंगे, वहाँ से होके अपने घर जाएंगे। तो अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली मंदिर जाके। अब मुझे नहीं पता, मासी हर शनिवार को आती है, शनिचर कह ली रोजे, हर शनिवार को ही आती है। अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आया करूँ। मतलब मंदिर जाना तो चाहिए, समय नहीं मिलता है, ऐसे निकालेंगे समय तो मिल ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे और क्या होता है। मेरी बहन आई है, लीजा तो सुबह ही आ चुकी थी माँ के साथ घर पे, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप बने रहिए ब्लॉग पे। सो फ्रेंड्स, मैं कल का वीडियो, कल शनिवार को मैं शनि मंदिर गई थी तो कल का वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया, थोड़ा सा अशांति का माहौल हो गया हमारे घर पे, तो इस वजह से मैं, मेरा मूड नहीं बना कि मैं वो वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। और इसीलिए ये वीडियो आज आपको, आज शाम तक या हो सकता है रात के 8 बजे तक आपको मिले ये ब्लॉग मेरा। वो ब्लॉग मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। घर में जब अशांति का माहौल होता है तो मन भी अशांत रहता है और इस वजह से कुछ करने का मन नहीं होता है, तो मैंने नहीं किया। तो ये तो खैर, चलिए ये पारिवारिक बातें हैं, हर किसी के घर में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। हमारे घर में भी हुआ था कल किसी बात को लेकर, तो अभी माहौल शांत है। और हमारे बाबा जो हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको आज डॉक्टर दिखाने लेके जा रहे हैं सब लोग, मतलब घर वाले, माँ और भाई। और मुझे बहुत सारा काम है फ्रेंड्स, मुझे आज नानी के घर भी जाना था कुछ काम से। मेरा एटीएम जो है लॉस्ट हो गया है और मेरा एटीएम मुझे फिर से बनवाना है, जो कि क्योंकि मेरा अकाउंट गुवाहाटी का ही है, गुवाहाटी स्टेट बैंक का ही है, तो मुझे वहीं जाके मेरा एटीएम बनवाना होगा, उसके लिए अप्लाई करना होगा। तो इस वजह से मुझे वहां जाना है और नानी के घर के पास ही पड़ता है, तो सोच रही हूँ शाम तक निकल जाऊँ। तो अभी मुझे बहुत काम है। ये देखिए, कपड़े भिगो के रखे हैं मैंने, ये देखिए कपड़े भिगो के रखे हैं, घर में साफ़ सफाई करनी है। और ये आंगन फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आंगन इतना गंदा हो जाता है ना, मैं क्या करूँ। मैं दिन में 3 से 4 बार झाड़ू लगाती हूँ, पर साफ़ होने से रहता है, क्योंकि अभी झाड़ू लगाती हूँ, अभी फिर हवा चलती है
और फिर सारे पत्ते, सूखे पत्ते सारे झड़ के गिर जाते हैं। ये देखिए ना कितना गंदा हुआ है, क्या कर सकते हैं हम, यही करती रहती हूँ सारा दिन, झाड़ू लगाती रहती हूँ, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए, जो काम है, बर्तन है, झाड़ू लगाना है, घर पोछा करना है, वो सारा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे रील्स भी बनाने, मैंने कल रील्स भी नहीं डाले, इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाले, मेरे यूट्यूब वाले चैनल पे भी, मुनिया बास 441 पे भी नहीं डाले, तो मैं वो करने जा रही हूँ। समय मिलेगा तो मैं रील्स भी शूट कर लूँगी, वरना देखूँगी थोड़ा बहुत क्या कर सकती हूँ मैं, वैसे ही करूँगी जो करना होगा। अब फिलहाल तो बैटरी चार्ज नहीं है, जाती हूँ फ़ोन पहले चार्ज देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर दिखाती हूँ कैसे क्या क्या काम कर रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आंगन सच में दिन भर गंदा होता रहता है, दिन भर झाड़ू लगाते रहना पड़ता है, कोई ना कोई आता रहता है, शर्मिंदगी होती है, घर आंगन गंदा पड़ा रहता है। और यहाँ से मैंने सारे बर्तन धुलने शुरू कर दिए, मांजने शुरू कर दिए हैं, काफ़ी धूप भी है और धूप में तो बर्तन माँज के ऐसे रखिए कि वो सूख जाते हैं, वो लग फटाफट अगर ना धुले तो। और वो भी मैं देखिए ना, राख से और सर्फ मिक्स करके मैंने ये बर्तन धुले हैं। राख से बर्तन बहुत साफ़ होते हैं फ्रेंड्स, आप यूज़ करके देखिएगा। होली के दिन से ही मेरे कपड़े इकट्ठे थे तो गंदे नहीं थे, बस एक दिन पहने थे और ऐसे ही रख दिए थे, इसीलिए मैं सब सर्फ में डाल के अच्छे से धो रही हूँ इसको, साथ ही ये सही रहे। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए मैं नदी में हूँ और मैं यहीं पे कपड़े धो रही थी, क्योंकि आपको पता है हमारा जो हैंडपम्प है घर का, उसमें बहुत ही आयरन होता है, जिसकी वजह से कपड़े धुलने में बहुत दिक्कत होती है, तो ज़्यादातर मैं नदी के पानी से ही कपड़े धो लेती हूँ। तो मैंने आधे कपड़े धो के सूखने के लिए डाल दिए हैं और आधे कपड़े ये देखिए यहाँ पे मैंने धो के रेडी कर लिया है। अब मैं इन्हें ले जाऊंगी, जो रस्सी है वो खाली नहीं है, वहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, वो कपड़े सूख जाए तो मैं ये डाल दूंगी और मेरा काम हो जाएगा फिनिश। खाना जो है वो मेरी सिस्टर आई है, वो पका रही है खाना, तो उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद मैं रील शूट करूंगी। तो आप लोग ना देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो क्रिएटर को, एक इन्फ्लुएंसर को, आसान नहीं होता है उनकी लाइफ, इस काम में बहुत मेहनत है। एक तो घर संभालिए, अपना घर का काम कीजिए, वहाँ से उठिए तो अब अपना काम बाय प्रोफेशन जिसमें आप हैं, जिससे आप जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो काम आप करिए, तो दिक्कतें आती हैं बहुत कुछ, संघर्ष संघर्ष ही जीवन है। मैं कहती हूँ कि संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता, तो देखते हैं हमारा संघर्ष कब तक जारी रहेगा, क्या कुछ नहीं करना पड़ता हमें और उसके बाद हम कितने टेक्स लेते हैं तब जाके कोई एक अच्छा रील बनता है। तो खैर ये तो ब्लॉगिंग है और आप को मैं आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है वीडियो बनाने के वक्त, बहुत बहुत तकलीफें होती हैं। अभी मैं कपड़े डालूंगी, वो सूखेंगे, मैं फिर नहाने जाऊंगी, फिर एक तो काम मेरी सिस्टर ने कम कर दिया, वो खाना बना रही है वो, वरना खाना भी बनाना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसी बीच कई लोगों की शिकायतें होती है कि मैम आप रिप्लाई नहीं करती, दीदी आप रिप्लाई नहीं करती, भैया दोस्तों जो भी आप लोग हैं, रिप्लाई तभी करती हूँ जब मैं देखती हूँ कमेंट्स, जिनके कमेंट्स मैं देखती हूँ उनको मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। जिनका नहीं देख पाई हूँ अब तक, जिनको रिप्लाई नहीं गया, वो इतना याद रखे कि मैंने उनका कमेंट अभी तक पढ़ा नहीं है, तो बुरा मत मानिएगा, मैं जब देखती हूँ तब रिप्लाई ज़रूर करती हूँ समय मिलते ही, तो फिलहाल मुझे समय नहीं मिला है। तो चलिए मिलते हैं तैयार होने के बाद रील्स शूट करने के वक्त। ओके सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ रील शूट करने के लिए। तो अभी का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, शाम हो गई है इसलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे रील भी शूट करना है। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे किस टॉपिक पर वीडियो, किस बेसिस पर वीडियो बनाना चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, बाय बाय।